मखाने की खीर बनाने के लिए हमें सूखे मखाने चाहिए और ये सब मेवा चाहिए। काजू तो मेरा 8 टुकड़ा है तो इसलिए बारीक कटा हुआ है। किशमिश में दूध उबलते हुए मैं डालूँगी, बाकी मैं ये थोड़ा सा या तो बारीक काटूँगी या दरदरा पॉलिथीन में पीस लूँगी बेलन्स की सहायता से। ये थोड़ा सा कसा हुआ गोला है और ये गोले का बुराता है। 2 बड़ी इलायची हैं जिनको मैं पीस के छिलका अलग करके डालूँगी। मैं कोई भी चीज़ घी में नहीं भून के डालती, क्योंकि क्या है भाई, हमें मखाने की खीर बनानी है। ड्राई रोस्ट तो आप कर सकते हो यदि करना है, नहीं तो मिक्सी में आप ग्राइंडर में पीस लीजिए। मेरा दूध उबल रहा है, बस इसमें मैं सबसे पहले किशमिश डाल देती हूँ और मखानों को ग्राइंडर में कर लेती हूँ। किशमिश तो मैं ऐसे धो के डाल दी हूँ और ये मैंने मखाने ग्राइंड कर लिए हैं। तब तक बादाम, अखरोट और पिस्ता मैं थोड़ा सा बेलन से कर लेती हूँ। चाकू से करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बारीक मुझे काटना नहीं, मुझे तो मिक्स खीर में डालना है, ऊपर से नहीं सजाने हैं, तो बेलन की सहायता से आराम से हो जाएंगे। ये सभी कुछ मैंने बेलन की सहायता से बारीक कर लिया, इलायची भी उसके छिलके हटा दिए, और ये दोनों मेरे नारियल, सूखा नारियल और नारियल का बुरादा, ये दोनों भी मैं इसमें डालती हूँ। और ये सब मेवा जो मैंने बारीक करी है इसको भी मैंने सब डाल दिया। अब अच्छे से इसे पकने दीजिए जब तक हम और काम करते हैं। बस इसमें अब एक चीनी बची है, जो ये खूब अच्छे से पक जाएगी तब इसमें ये चीनी डालेगी। खूब लाल होने तक पकने दीजिए, कम से कम आधा घंटा तो इसको लगेगा ही। दूध भी 1.5 किलो के करीब है, बस चीनी बाद में डलेगी। आप अपने स्वाद के अनुसार कम डालिए या ज़्यादा डालिए, जैसे नमक स्वाद के अनुसार वैसे ही चीनी भी स्वाद के अनुसार। खीर काफ़ी पक चुकी है, काफ़ी गाढ़ी हो गई है, बस इसमें अब ये चीनी डाल रही हूँ मैं। एक कच्ची खीर पड़ ही जाएगी, बाकी आप देख लीजिए जितनी आपको डालनी है। जिस चमचे से मैं बना रही हूँ वो उतने ही एक भर के डालना है। मखाने की खीर काफ़ी अच्छी लगती है और व्रत में ही बनती है, इसलिए हमेशा तो बनती नहीं है, ज़्यादातर तो चावल की खीर बनती है। फलाहारी वाले व्रत में ही मखाने की खीर बनाई जाती है। आप सवा के चावल भी बना सकते हैं, पोस्त भी डाल, इसमें पोस्त भी डाल सकते थे लेकिन मैंने पोस्त नहीं डाले। मखाने से भी काफ़ी गाढ़ापन आ जाता है खीर में। तैयार हो गई मेरी खीर। ये व्रत में मैं ये सभी सब्जियां बना रही हूँ। ये आलू भी बनाऊँगी मैं सूखी, इसमें से सूखे आलू और टमाटर आलू और ये कच्चा कद्दू है। व्रत के खाने में ज़्यादातर हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक का यूज़ ज़्यादा होता है, मसाले कम यूज़ होते हैं। बहुत लोगों के यहाँ तो टमाटर भी यूज़ नहीं होता है, काली मिर्च और नमक का ही खाना बनता है। मेरी मम्मी भी ऐसे ही बनाती थी, लेकिन मेरी सासू माँ टमाटर का वो नहीं मानती थी कि टमाटर बना सकते हैं, लेकिन बस उनको हल्दी का था, हल्दी और सादा नमक नहीं यूज़ होता। ज़्यादातर सारा खाना देसी घी में बनता है। टमाटर और ये अदरक में मिक्सी में पीस लूँगी तो टमाटर आलू बनाएंगे और हरा कद्दू बनाएंगे। इसमें आज दाना मेथी भी नहीं डल सकती है, इसको बस ऐसे ही छोंक देंगे। थोड़ा सा नमक मिर्च, गरम मसाला और धनिया पाउडर डाल के और थोड़ा बाद में अमचूर डालेंगे। हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया इसका यूज़ इसमें होगा। और यही अरबी में, सूखी अरबी भी बहुत टेस्टी बनती है, हल्दी तो किसी में डलनी ही नहीं है। चलिए सब सब्जियां तैयार करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे सूखे आलू, जिसमें मैंने ये देसी घी में जीरा डाल दिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी अदरक और थोड़ा हरा धनिया।
पहले इसे मैं भून लेंगे। अभी इसी तरफ हम बना रहे हैं बस टमाटर, जिसमें धनिया, जीरा और खड़ी मिर्च मैंने डाल दी। एक तो व्रत के खाने में चीनी का यूज़ बिल्कुल नहीं होता और एक सरसों के तेल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता। रिफाइंड में मैं बनाती नहीं हूँ, इसलिए देसी घी में सब्जियाँ बना रही हूँ। इसमें ये सेंधा नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि मैंने हरी भी डाल दी है, और ये धनिया पाउडर। चाहें तो आप जरा सा अमचूर डाल सकते हैं इसमें सूखे आलू में, और नहीं तो सूखे आलू और सूखी अरबी दोनों में देसी घी का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। बस ये खूब अच्छे से भूनने तक इसमें ये मैं डालती हूँ थोड़ी सी देगी मिर्च, हल्दी तो मुझे डालनी नहीं है, आधा चम्मच धनिया पाउडर, जरा सी लाल मिर्च, थोड़ा सा ये पानी डालते हैं तो ये मसाला भून जाएगा। चलिए दोनों बनाते हैं। ये सेम कढ़ाई है मेरी आलू वाली, मैंने आलू निकाल लिए और इसमें अब मैं अरबी बना रही हूँ सूखी। इसमें भी मैं सेम वही तरीका करूँगी, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च इस तरह से पहले डाल दूँगी। हरा धनिया इस तरह की सब्जियों में भुना हुआ अच्छा लगता है, ऊपर से कच्चा नहीं अच्छा लगता। थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और ये सेंधा नमक। पलट पलट के अरबी को अच्छे से सेकेंगे। अमचूर डालना चाहें तो डाल लीजिए, या बाद में नींबू डालना चाहें तो नींबू डाल लीजिए। बस ये पलट पलट के सेकेंगे करारी करके बिल्कुल। आलू में पानी डाल देते हैं, थोड़े गाढ़े बनाएंगे क्योंकि पूरियाँ बननी है, इसके साथ कुट्टू की पूरी बनाएंगे। बस अब ये पकी ही सब्जी, थोड़ा सा और डालते हैं, लेकिन अभी पकनी है तो गाढ़ी तो हो जाएगी। इधर ये मेरी अरबी, अभी सीख रही है, धीरे धीरे पलट पलट के सेकते रहिए। अरबी मेरी तैयार हो गई है इस तरह से, ये गोल्डन गोल्डन सी भून के तैयार होती है, बहुत ही अच्छी है। ये पहाड़ी अरबी है, इस समय देसी अरबी नहीं आती है, वो गर्मियों में आती है,
पहाड़ी अरबी सूखी ही अच्छी बनती है। देसी अरबी को तो आप किसी भी तरीके से कैसे भी बना सकते हैं। रसेदार आलू भी मेरे तैयार है, इसमें धनिया ऊपर से डलेगा, इसमें अंदर नहीं अच्छा लगता। चलिए दोनों की गैस बंद करते हैं, दोनों ही सब्जी मेरी तैयार हो चुकी है। चलिए अब तेल कढ़ाई में हरा कद्दू बना लेते हैं, इसमें भी हींग और मेथी तो डलेगी, अदरक और हरी मिर्च डाल के थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया और ये सेंधा नमक, इसमें अमचूर डलेगा वो बाद में डलेगा। या अभी तो तेज गैस चली, क्योंकि ये हरा कद्दू बिल्कुल कच्चा है, ये पानी छोड़ता है। फिर गैस कम कर, ढक देते हैं इसको। ये देखिए कद्दू की गैस तेज थी, उसके बावजूद भी पानी छोड़ दिया है। इसे अभी तेज पे ही बनाना पड़ेगा, बनता बहुत टेस्टी है, क्योंकि ये कच्चा कद्दू बहुत पानी होता है इसमें। ये देखिए ये बनके बिल्कुल तैयार हो गया, और इसमें आप थोड़ा सा स्वाद के अनुसार, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच मैंने इसमें अमचूर डाला। काफ़ी टेस्टी बनता है, ऐसा नहीं है कि हल्दी नहीं डाली है तो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी, या दाना मैसी नहीं डाला कद्दू में तो कद्दू अच्छा नहीं बनेगा। इसको आप मीठा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आप खट्टा निकाल दीजिए, थोड़ा सा मीठा कर लीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन फिलहाल तो मैं अभी खाली खट्टा ही कर रही हूँ, मैं इसमें चीनी भी डाल के बनाती हूँ। इस कद्दू में भी चीनी डालती हूँ तो ये थोड़ा सा कालापन ले लेता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। बस गैस बंद कर रही, तैयार हो गया मेरा कद्दू। कुट्टू का आटा मार रही हूँ, इसमें मैंने ये दो आलू ग्रेट किए हैं। एक पाव के करीब आटा है ये मेरा अंदाज से, इसमें नमक नहीं डलता और थोड़ा सख्त गूंदा जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी पानी छोड़ता है, तो बहुत ही संभाल के पानी डालना पड़ता है। धीरे धीरे आप पानी डालिए और इसको मार लीजिए, 8 या 10 पूड़ियाँ आराम से इसमें बन जाएंगी मेरी। और नमक नहीं डलता, नमक भी से भी पानी फैलता है, इसलिए कुट्टू की पूरी जिस समय बनानी हो उससे 2 मिनट पहले ही आटा तैयार कीजिए। इसके आटे को रखने के लिए नहीं रखा जाता कि हम 15 मिनट ढक के रख दें, ऐसा कुछ भी नहीं है कुट्टू के आटे में, तो बिल्कुल भी नहीं है। हाथ के हाथ तैयार कीजिए अच्छे से और पूड़ियाँ बनानी शुरू कर दीजिए। ये देखिए मेरा आटा मड़ के तैयार हो गया, बहुत अच्छा मड़ा है, लेकिन इसमें क्या हल्का सा परथन तो आपको लगाना ही पड़ेगा। और पूरी को भी बहुत डेलिकेसी चाहिए, बहुत ही आराम से बेली जाती है, क्योंकि इसके भी किनारे थोड़े फटते हैं। अब इसके बाद प्लेटिंग करेंगे, प्लेटिंग क्या थाली सजेगी, क्योंकि काफ़ी आइटम है तो प्लेट में तो आने से रहेगी। तो बस इससे 2 पूरियाँ सेक के भोग की थाली तैयार कर लेते हैं, भोग लगा के किसी बच्चे को खिला देते हैं। थोड़ा सा तेज सेकते हैं कुट्टू की पूरी। मेरा सभी खाना तैयार हो गया बनके। देखिए ये मेरी खीर है, सूखे आलू, अरबी, कद्दू और ये मेरे टमाटर आलू। मैं बस थाली लगाती हूँ। मेरी ये थाली लग के तैयार है भोग की। फ्रेंड्स आपको अच्छी लगे मेरी कोई भी रेसिपी तो बनाकर देखिए, आज नहीं तो किसी व्रत में। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, अगली रेसिपी तक के लिए।